आप सबको जयमसी की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुभा के लिए कि जो प्रभु ने हमारे जीवन में दी और रात भर संभाल कर परमेश्वर ने एक नए दिन को हम सब के जीवन में जोड़ा इस इस बात के लिए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए एक भजन गाएं जिंदगी ये मेरी है तेरी ही अमानत जब तलक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत जिंदगी कर दिया तेरे नाम ये जिंदगी कर दिया तेरे नाम जिंदगी कर दिया तेरे नाम ये जिंदगी कर दिया तेरे नाम आइए हम सब परमेश्वर के वचन को सुने और वचन के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम थोमा है जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तब कुछ चेले थोमा के पास आए और उन्होंने कहा थोमा यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा और उसने यह अविश्वास जताया कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ तो तब यीशु मसीह ने उससे एक बात कही कि थोमा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन अविश्वासी मत बन परंतु विश्वासी बन थोमा अविश्वास कर रहा था इस बात पे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है वो पुनरुत्थान और जीवन है परंतु यशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे छू कर देख यशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया और कहा मुझे छू कर देख अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन विश्वासी बन परमेश्वर पर विश्वास करने वाला बन उसके आश्चर्य कर्मों पर उसकी शक्ति पर उसके गुणों पर विश्वास करने वाला बन मेरे प्रियो कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है जहाँ हमारे सामने कठिन समय आता है और हम उन परिस्थितियों को देखते हैं और उन परिस्थितियों को देखते हुए हम अविश्वास जताते हैं परमेश्वर के ऊपर हम डाउट आ जाता है हमारे मन में संदेह आ जाता है अनबिलीव हमारे अंदर पैदा हो जाता है अविश्वास परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो अनबिलीव मत करो परंतु बिलीव करो विश्वास करो उस समय में भी उस कठिन परिस्थिति में भी उस विपरीत समय में भी जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर न आ रहा हो तब भी विश्वास करना सीखो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा विश्वास रखें कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो अपने जीवन में हर एक परिस्थिति के लिए जब लगता है कि आगे बिल्कुल खाई है उस समय भी हम विश्वास रखें कि नहीं मेरा परमेश्वर इस खाई से भी मुझे बाहर निकाल सकता है उस समय हम विश्वासी बने हर एक बात में हम विश्वास रखें हर एक बात में अविश्वास मत जताओ बल्कि विश्वास जताओ जब सब कुछ खत्म होने पर हो तब भी एक विश्वास रखो क्योंकि तुम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हो जो सब कुछ का मालिक है जो पुनरुत्थान और जीवन है सृष्टि का करता है आइए हम सब लोग दुआ करें वे? धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवादी है प्रभु इस सुबह के लिए प्रभु जी जो आपने हम सब के जीवनों में दी पिता परमेश्वर इस बात के लिए मेरे यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता और विशेषकर धन्यवादी है प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु जी जिस वचन के द्वारा आपने हम सबको आश्रित किया प्रभु जी प्रभु जी जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर पिता हर एक जन को आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं मेरे परमेश्वर पिता और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हर एक के जीवन में प्रभु अपना विश्वास दीजिए प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आप अपने विश्वास से भरें प्रभु हर एक के विश्वास को आप बढ़ाएं परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आप अपने विश्वास को दीजिए प्रभु जी हर एक के विश्वास की उन्नति कीजिए उनके मनोरथों को पूरा कीजिए उनके प्रार्थनाओं को पिता आप प्रभु पूरा कीजिए ताकि उनका विश्वास तुझे जीवित परमेश्वर पर है प्रभु वो उनके लिए पूरा होने पाए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आप हर एक के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु हर एक को आप सफलता दीजिए प्रभु हर एक को बीमारी से छुटकारा दीजिए प्रभु जी हर एक के बिगड़े कामों को आप बनाइए परमेश्वर क्योंकि हर एक का विश्वास प्रभु तुझ परमेश्वर पर है प्रभु परमेश्वर पर धन्यवाद करते हैं हर एक के विश्वास की उन्नति आप करें परमेश्वर पिता क्योंकि आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु और पिता परमेश्वर क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा वो तेरे कर्मों को देखेगा पिता परमेश्वर सच में विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर हां और आमीन में दिया ये मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं आमीन आमीन और आमीन